नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बेस। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपने रेलवे ग्रुप डी या एएलपी या टेक्नीशियन के लिए अप्लाई किया है तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अब आज से आप अपने एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपका फॉर्म सेलेक्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ। जो भी आपका डाउट था उसको आप क्लियर कर सकते हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप हम जानेंगे कि हम कैसे चेक कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन के स्टेटस को। तो ज़्यादा देर नहीं करते, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। सबसे पहले आप पे दोस्तों किसी भी वेब ब्राउजर को ओपन करेंगे और उसमें लिखेंगे RRB, ठीक है। गूगल में लिखेगा RRB, इंटर प्रेस कीजिएगा। उसके बाद जो पहला आपको वेबसाइट दिखेगा उस पर क्लिक कीजिएगा। ये रेलवे का ऑफिशियल वेबसाइट है, इसमें आप किसी भी इस वेबसाइट से आप किसी भी जोन में जा सकते हैं। तो मान लीजिए मैं पहला जोन लेता हूँ अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद मैंने लिया। अब यहाँ देखिए ऊपर में द एप्लीकेशन स्टेटस ऑफ कैंडिडेट अप्लाइड अगेंस्ट CEN01/2018 और CEN02/2018 हैज बिन अपडेटेड, क्लिक ऑन द एप्लीकेशन स्टेटस लिंक, ठीक है, कहीं दिया होगा एप्लीकेशन स्टेटस लिंक है। और यहाँ देखिए ये अभी है ना अवेलेबल है 12 बजे से, ठीक है, आज से 11/7/2018 को 12 बजे से अवेलेबल है। और कब तक होगा? 20/7/2018 तक अपने फॉर्म का एप्लीकेशन का स्टेटस आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप देखिए स्टेटस का लिंक यहाँ पे दिया हुआ, देखिए ये कौन सा है ना, शायद ELP का लिखा हुआ, लेवल 1 लिखा है। लेवल 1 का मतलब ग्रुप डी होता है, और ELP का नीचे दिया हुआ है। तो मान लीजिए कि आपको लेवल 1 का देखना है, तो ये देखिए आवेदन की स्थिति, यहाँ न्यू लिखा हुआ ना, तो इस पर क्लिक कीजिए, ठीक है। हम इस पर भी क्लिक कर लेते हैं ELP वाले पे। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपने जिस जोन के लिए अप्लाई किया उस जोन का रजिस्ट्रेशन नंबर, उस जोन को सेलेक्ट कीजिएगा। तो उस जोन को मैंने क्या किया ना, सेलेक्ट किया। तो मैंने मान लीजिए झारखंड के लिए अप्लाई किया, तो मैं झारखंड को सेलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा उस पर क्लिक कीजिए, लिखिएगा रजिस्ट्रेशन नंबर अपना जो भी होगा उसको लिखिएगा, ठीक है। ये किसका है, ELP का होगा तो काम नहीं करेगा, हो सकता है, मैं देखता हूँ। जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर उसको लिखिएगा आप, और डेट ऑफ बर्थ जो भी होगा उसको लिखिएगा। अब जो भी कैप्चा लिखा है उसको लिख लीजिए, और उसके बाद लॉगिन कीजिएगा। जैसे आप लॉगिन करेंगे उसके बाद क्या होगा कि आपको एक मैसेज दिखाएगा, करंट स्टेटस ऑफ योर एप्लीकेशन इज ए प्रोविजनली एक्सेप्टेड, कीप विजिट ऑफिशियल वेबसाइट फॉर फर्दर अपडेट, ठीक है। ये आपको मैसेज आ गया, यानी आपका जो एप्लीकेशन है ना वो एक्सेप्ट हो गया है। अब जो भी अपडेट आएगा उसके लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट से कॉन्टेक्ट में रहे। तो इस तरह आप देख सकते हैं अपने एप्लीकेशन का स्टेटस। मान लीजिए आपको प्रिंट एप्लीकेशन करना है ना, तो यहाँ देखिए नीचे रेड कलर में प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन दिया, वहां क्लिक कीजिएगा, प्रिंट एप्लीकेशन भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक नहीं चेक किया अपने एप्लीकेशन का स्टेटस, तो आप जितना स्टेप मैंने बताया उस स्टेप को फॉलो करके अपने एप्लीकेशन के स्टेटस को देख सकते हैं।